नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रेवल विद जॉन में। तो देख ही रहे होगे भाई, यहाँ पे तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, 21 अगस्त तक छुट्टियाँ चलेगी। तो मैं भी भाई बिजी था थोड़ा काम पे यार, टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो आज टाइम मिला था, थोड़ा काम से फ्री हुआ था, तो मैसेज आ रहे थे बहुत ज्यादा भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, उसे टाइम ही नहीं मिलता यार चेक करने के लिए, और कमेंट आ रहे थे तो सोचा आज वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। तो भाई जो कुछ लोगों के मैसेज आए, भाई हम आर्मेनिया में बैठे हुए हैं कि इंडिया से एजेंट बोलते हैं आपको आर्मेनिया ले जाएंगे, आर्मेनिया की आपको TRC लेके आपको यूरोप में एंटर करवा देंगे। तो भाई वो तो काम पहले चलता था, बंद हो चुका है, लोगों को नहीं पता है, वो भी आर्मेनिया आ रहे हैं। ई वीजा आर्मेनिया का है, जो कि आपको पता है 3,500-4,000 रुपये में मिल जाता है इंडिया में ऑनलाइन। तो उसके लिए लोग भाई आर्मेनिया में बैठे हुए लोग जो आए हैं वो बोल रहे हैं भाई हम 4,00,000, 4.5 लाख रुपया देके आर्मेनिया में पहुंचे हैं, और वहां से हमें बोल रहे थे आपको यूरोप लेके जाएंगे, सर्बिया लेके जाएंगे, और सर्बिया से आपको आगे लेके जाएंगे ऑस्ट्रिया या इटली में एंटर करवा देंगे। तो भाई ये आप ट्रिक बहुत घटिया हो चुकी है, सीधी सी बात है, तो ये काम नहीं चलता है, पहले चलते थे उल्लू बनाते। जिनको नहीं पता है भाई, जैसे गांव के लोग हैं कुछ, ठीक है, उनको नहीं पता, वो जहां से भी फंस जाते हैं एजेंट के। तो ये वीडियो भी उनके लिए, सबके लिए, अगर शेयर कर दोगे भाई किसी का भला हो जाएगा। तो प्लस ये है, आप आर्मेनिया का में फायदा नहीं है जाने का, और सर्बिया का वर्क परमिट निकल रहा है भाई सीजनली, जो होता है मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लास्ट वीडियो में भी, आप सर्बिया का वीजा ले सकते हो, रोमानिया का वीजा ले सकते हो। क्रोएशिया भाई यूरोप यूनियन में आ चुका है भाई, शेंगेन में आ चुका है। मैं कब से बोल रहा था भाई आप क्रोएशिया का वीजा अप्लाई कर लो, अगर आपके पास क्रोएशिया का वर्क परमिट है टी, वहां पे आके आपको TRC मिलती है, अच्छी सैलरी है भाई। क्रोएशिया में बहुत लड़के आए हैं, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे जिन जिनको भाई, वो सबने वीजा अप्लाई किए थे, ठीक है। किसी का रोमानिया का लगा है, किसी का क्रोएशिया का लगा है जो पहले यूरोप में नहीं था, अभी भी वीजे लग रहे हैं क्रोएशिया के। हर कैटेगरी का आदमी चाहिए, हेल्पर से लेके भाई जिसके पास स्किल है, कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी है भाई, कोई भी स्किल, अगर उसके पास डिप्लोमा है, अगर उसके पास भाई कोई स्किल वर्क का कुछ भी भाई एक्सपीरियंस है, तो वो भी आदमी अप्लाई कर सकता है। तो उसकी अच्छी सैलरी बन जाती है भाई, जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, या ब्रिक वर्क का काम करता है, या कारपेंटर है, जो शटरिंग कारपेंटर है, जैसे कोई दुबई से लोग वापस चले जाते हैं इंडिया में भाई, वो फिर आगे निकलना चाहते हैं कोई अच्छी कंट्री में, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनके कार्ड भी बने होते हैं वहां के एक्सपीरियंस के, अगर वो चीज है तो भाई अच्छी सैलरी मिल जाती है, 1,000-1,200 यूरो सैलरी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अभी तो क्रोएशिया आ चुका है, आपको पता है शेंगेन में, तो अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। टाइम जरूर लगता है भाई, अच्छी कंट्री को आपको अप्लाई करना है तो टाइम तो जरूर लगेगा, टाइम इतना लग जाता है, 4 महीने भी लग जाते हैं, 5 भी लग जाते हैं। आने वाले वीजे भाई क्रोएशिया के आप लगा के चलो, 3 महीने में भी वीजा आया है, 2.5 से 3 महीने के अंदर उसकी आपको मिल जाती है इन्विटेशन मिल जाती है, उसके बाद आपको वीजा जो स्टैंप होना होता है भाई एम्बेसी, उसमें टाइम लगाती है, क्योंकि पहली बात तो दिल्ली में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है क्रोएशिया के लिए, तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। अगर मिलती है तो भाई वो पे करना पड़ता है, हर चीज पे आपको पता है आजकल बिकाऊ है, अगर अपॉइंटमेंट जल्दी लेनी है तो आपको हर चीज मिल जाती है, लेकिन आपको पे करना पड़ता है, मैं ये कहने का मतलब ये है। प्लस आपको भाई क्रोएशिया का वीजा अप्लाई करो, वहां पे आके वर्क परमिट मिलता है, TRC मिलती है, फिर आपको कहां पे भी मूव होना है वो आप हो सकते हो, इजीली मूव हो सकते, आपको कोई भी रास्ते में कोई तकलीफ नहीं आएगी। जैसे आप सर्बिया से आते हो, आप ऑस्ट्रिया चेक हो जाते हो, आप पकड़े जाते हो भाई, आपको थोड़ा डर भी लगता है हमें डिपोर्ट ना कर दे, आप पिछली आपने पता मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और आपको भाई वो एग्रीमेंट साइन हो चुका है इंडिया के साथ, जो क्रिटिकल स्टे मांगेगा उसको ऑस्ट्रिया वाले इंडिया वापस रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो बिल क्या बोलते हैं भाई, पार्लियामेंट में उन्होंने डाला है लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। अगर जर्मन में भी ऐसे हुआ, अगर जिस दिन पास हो गया भाई उस दिन से आपको कोई भी इंडियन आदमी वहां पे क्रिटिकल स्टे मांगेगा, ऑस्ट्रिया में सीधा डिपोर्ट किया जाएगा, उसकी जो ID है वो वहां से एम्बेसी से ले लेते हैं वो लोग आपको, नहीं भी है आजकल। पहली बात तो ये है भाई, अपना जो इंडियन पासपोर्ट है वो आपको पता है बायोमेट्रिक होते हैं तभी आपको पासपोर्ट मिलता है, वो आपके बायोमेट्रिक लेंगे और आपको कहीं से भी आपकी कॉपी निकाल लेंगे पासपोर्ट की, आप बोलोगे ये नाम है ये कुछ है मेरा, तो कुछ नहीं होगा भाई ऐसा,
सब बोलते हैं ना, जो गलत काम करेंगे सारे फड़े जानगे। तो ये चीज है भाई, गलत काम मत करो। रोमानिया का वीजा अप्लाई कर लो, क्रोशिया का कर लो। अगर किसी भाई को भी कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए भाई, अच्छा काम होता है, ठीक है, बिना एडवांस के काम नहीं होगा भाई। जैसे कि हर आदमी बोलता है भाई हम वेट नहीं कर सकते हैं, चलो छोड़ दो भाई, नया पासवर्ड बना लेते हैं, तो जो पासवर्ड पड़ा होता है एजेंट के पास वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए एडवांस लेके काम चलता है भाई, उसको टाइम भी दिया जाता है, बिना एडवांस के काम नहीं होगा। कुछ लोग भाई, जैसे मैंने बहुत लोगों को नंबर दिया था, वो कुछ लोग मजा लेने के लिए भाई पूछते रहते हैं, फोन पे फोन करते रहते हैं भाई हम कैसे जाएं, हमें कितना खर्चा आएगा। भाई जब तक आप ऑफिस में विजिट नहीं करोगे, ठीक है, अब पहली बात अपना हर मैं वीडियो में बोलता हूँ भाई, अपने घर वालों को साथ में लेके जाना। ये नहीं है भाई आप खुद जाओगे तो कल को घर वाले बोलेंगे वीजा आ जाएगा या स्पॉन्सर आ जाएगी, घर वाले बोलेंगे हम पैसे नहीं देंगे, हमें तो बिना पूछे इसने काम करवाया है। तो कोई अपना बड़ा अपनी किसी को लेके जाना साथ में, जिसको पता होना चाहिए ये हमारा लड़का वीजा अप्लाई कर रहा है और इसका ये प्रोसेस है और इतना टाइम लगेगा, उतना खर्चा आएगा। तो अपने घर से किसी को भी भाई, अगर आप जाते हो बड़े छोटे हो भी, अपने एक आदमी को अपने घर से जरूर लेके जाया करो साथ में, जिसको हर बात का पता होना चाहिए। आप कहाँ पे जा रहे हो, किस कंट्री में जा रहे हो, कितने में वीजा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसको आप पैसा दे रहे हो, किसको आप पासपोर्ट दे रहे हो, तो ये चीजें होती है भाई। प्लस मैं आज वीडियो छोटी बनाऊंगा, इतनी बड़ी नहीं बनाऊंगा सॉरी। तो आज वेदर बहुत गंदा है, आप पता ही चल रहा होगा, आपको देख लो। तो लोग फिर भी घूम रहे हैं भाई, आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं मैं। तो ये व्यू है भाई, जैसे कि लड़के बच्चे घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये सी है समंदर पे, बारिश हो रही है, बारिश का महीना चल रहा है भाई, लेकिन अगस्त में इतनी गर्मी होती है। ये देखो ये सारे फुल होते हैं, अगर गर्मी होती तो भाई ये सब भरे होते हैं, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं होती सी पे ऊपर। ये छोटी छोटी बार बनी हुई है लेकिन सब खाली पड़ी है, लोग नहीं है इतने, लोग घूम रहे हैं, जब बारिश आएगी भाई सारा खाली हो जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे, बारिश की वजह से हर रेस्टोरेंट का, हर किसी दुकान वाले का काम कम है। तो ये जा रहा है भाई, पुलिस वाला भी जा रहा है, तो ऐसे है काम भाई। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपको कहीं के लिए करना भी है वीजा अप्लाई, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी मैं सेंड कर दूंगा। तो बिना भाई अगर स्वाद लेना तो आप कॉन्टेक्ट मत करना प्लीज, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे और जिसका नंबर दूंगा उसका भी टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर यही है भाई, वीजा अप्लाई करो क्रोशिया का, वहां पे आके आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप वहां पे लाइसेंस कर सकते हो अपना गाड़ी का। प्लस आपको अगर आप लॉन्ग टाइम रह लेते हो तो वहां पे आप अगर कोई लड़की ढूंढ लेते हो तो आपका वहां का पासवर्ड बन गया, तो आप पूरी कंट्री में पूरे यूरोप में कहीं पे भी सेटल हो सकते हो। तो ये हमारे लोग भागते हैं भाई, यहाँ से हम पुर्तगाल जाना है, हमें पुर्तगाल जाएंगे और वहां पे जाके हम अपनी TRC न्यू करवा लेंगे, ये करवा लेंगे। तो भाई जहाँ पे आपको TRC मिली हुई है, या क्रोशिया की या रोमानिया की, अगर उसको आप कंटिन्यूस करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट और जल्दी बेनिफिट मिलेगा, आप लीगल तरीके से वहां पे एंटर हुए हो। लेकिन आप पुर्तगाल भागते हो, वहां पे जाके आप टैक्स देते हो, ठीक है, 200-250 पर प्लस अपना रेंट भरते हो और काम नहीं मिलता है आपको। पहली बात तो ये, वहां पे आपको काम मिलेगा नहीं पुर्तगाल में, मिलेगा तो 25-30 यूरो मिलेंगे पर डे के हिसाब से, उसमें से आपने अपना टैक्स भी पे करना है, उसमें से आपने अपना रेंट भी पे करना है। अगर काम मिल जाता है फिर आपको कंपनी टैक्स पे करती है, अदरवाइज तो आपको 500-600 यूरो मिलेगा। अगर आपके पास क्रोशिया में रोमानिया में अगर वीजा है तो आपका टैक्स भी वहां पे जाएगा, आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे और आप वहां पे कंटिन्यू करोगे तो आपका वीजा भी बढ़ता रहेगा, ठीक है, और बहुत अच्छा सेटिंग हो जाती है भाई छोटी कंट्री में। यहाँ पे रश होगा तो वहां पे तो टाइम भी लगेगा और पैसा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रश ही नहीं है और वहां पे आपको ज्यादा एक चांस भी मिलेगा यहाँ पे रहने के लिए, जल्दी सेटल होने के लिए, जल्दी सेटिंग करने के लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो थी भाई आप सबके लिए, तो माफी चाहता हूँ भाई वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेट हो जाता हूँ यार, टाइम नहीं मिलता है भाई। जैसे छुट्टी होती है तो बाहर भी काम करना पड़ता है, अपना पर्सनली काम भी करता हूँ भाई कंस्ट्रक्शन का, तो कहीं ना कहीं भागना पड़ता है पैसा को। अगर आए हैं यहाँ पे तो पैसा, मैं वीडियो बनाता हूँ भाई आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, क्यों मुझे कोई इतना इसमें से कोई बेनिफिट तो होता नहीं है, ठीक है। तो जितने व्यू होंगे भाई, अभी तो सच बात बताता हूँ, सेंटियों के हिसाब से पैसे आते हैं,
यूरो के हिसाब से तो आते नहीं, सेंट के हिसाब से पैसे आते हैं, तो आप लगा के चलो जितने व्यू होंगे तो उतने सेंट मिलेंगे, तो सेंट तो हमारे जब बढ़ेंगे तो वो टाइम तो लगेगा ही। तो ये चीज है भाई, आप देख रहे हो ये बच्चे हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो घूमते हैं फिरते हैं कभी तो फिर चले जाएंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मैं डालूंगा तो आपको मिलता हूँ। तो सारे नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।